साधारण ब्याज के जो महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टि से जो आने वाले क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, उन क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, तो उनके बारे में जानकारी लेंगे। और इस जो सीरीज़ है, ये सीरीज इस वजह से स्टार्ट किया गया है कि जो एग्ज़ाम अभी तक फ़िलहाल में होने वाले हैं, उन एग्ज़ाम को फेस करने के लिए जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट रिवीजन कर सके, इनको देख के पढ़ के समझ के रिवीजन किया जा सके और एग्ज़ाम में फ़ायदा उठाया जा सके। तो इस दृष्टि से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से एक बटा चार वर्ष में 41/40 हो जाती है 41/40 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? क्वेश्चन यही है, ब्याज की दर क्या है क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोगों से। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे पहले करेंगे क्या कि जैसे 41/40 है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या निकाला जाता है, क्या किया जाता है, 100 से गुना किया जाता है। 41/40 क्या है? भिन्न है। तो 41/40 को प्रतिशत में बदलेंगे, गुना 100 कीजिएगा, तो 40 × 80 20, 100, 40 बचे 200, गुना कीजिए, 25 से कम 25 के 5 हासिल, 2 25 का 100, 2 102, 102.5% आएगा, 102.5% होगा। यह ध्यान से पढ़िए, धनराशि साधारण धनराशि है, साधारण किसी दर से स्वयं की 41/40 हो जाती है, ये धनराशि है, मिश्रधन है। ये निकला क्या आया? मिश्रधन आया। तो हम लोग इसमें से अगर मूलधन घटा देंगे, मूलधन हमेशा 100% होता है, मूलधन क्या होता है? हमेशा 100% होता है। तो मूलधन घटा दिया जाएगा तो क्या निकलेगा? ब्याज निकल जाएगा 2.5%, 100 घट जाएगा 102.5 में, तो 2.5% आएगा। अब ब्याज जब निकल गया तो करेंगे क्या कि जितना वर्ष है उस समय से भाग दे देंगे वार्षिक ब्याज निकालने के लिए। एक साल का कितना है? ये 1/4 वर्ष का है, जितना समय है उतना ही समय का ब्याज निकल के आएगा। तो एक साल का निकालने के लिए, वार्षिक दर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ब्याज है उसमें और भाग दे देंगे समय से, 1/4 समय, 1/4 से भाग देंगे, 2.5 × 4/1 भाग दिया, गुना हो जाएगा 2.5 × 10, 4 से गुना करेंगे 10% आएगा। एक ये तरीका है, एक दूसरा तरीका भी है। यहाँ से हम लोग करते क्या है कि जो कोई धनराशि साधारण ब्याज किसी दर से 1/4 वर्ष में, यहाँ पे जोड़ दिया जाए स्वयं की 41/40 हो जाती है। तो स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो 41/40 का संबंध किसके साथ है? स्वयं से, मूलधन से है। तो एक तरफ मूलधन लिखेंगे, एक तरफ मिश्रधन लिखेंगे, और ये तो 40 किसके साथ चल जाएगा? काकी की, जिसके साथ संबंध बनाता है उसके साथ, स्वयं के साथ, यानी 40 इसके साथ, इसके साथ 41। तो ब्याज कितना होगा? 40 रुपया मूलधन था, 41 रुपया मिश्रधन हो गया, तो ब्याज कितना? 1 रुपया। अब ब्याज निकाल लिया जाएगा, ब्याज कितना होगा? ब्याज बटा मूलधन गुने 100, तो 1/40 × 100 किया जाएगा, कितना आएगा? 2.5%। यहाँ से जो करके आया गया वो काम यहाँ पे निकाल लिया गया है। तो यहाँ से इस तरीके से भी लेके बढ़ सकते हैं, जितना आएगा उसमें 1/4 से भागा दे देंगे, तो इस तरीके से भी बन जाएगा, एक इस तरीके से भी बन जाएगा, एक दूसरा तरीका यहाँ से भी हम लोग बना लेंगे। तो दोनों में से किसी भी तरीके से समझिए और बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, दो नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 5000 रुपये की राशि है, 5000 रुपये की राशि, का कुछ भाग 4% पे, 4% पे, और शेष भाग 5% पे पर निवेश किया गया, 5%
वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ऐसे लिखिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया यदि दो वर्ष पश्चात कुल ब्याज 440 रुपये है, 440 रुपये है, तो क्वेश्चन 3 है यहाँ से वो क्या, तो मूलधन का अनुपात ज्ञात करें, तो दोनों दर पर दी गई राशि का अनुपात ज्ञात करें, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि 5% पर 4% पर कितनी धनराशि दी गई। और तीसरा क्वेश्चन है 5% पर कितनी धनराशि दी गई। तो यहाँ से धनराशि दी गई, तो यहाँ से क्वेश्चन तो मुख्य जो क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ जो क्वेश्चन है, बस केवल पूछ रहा है कि राशि का अनुपात ज्ञात करें, लेकिन हम अपने से ऐड किए हुए इस तरीके से भी क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में। करेंगे क्या, पहले जितना ब्याज है उस ब्याज को, वो कितना प्रतिशत है उस ब्याज को हम निकालेंगे, 440 कितना प्रतिशत है, 440 रुपये टोटल ब्याज है, 440 5000 का ब्याज जब भी गणना होता है मूलधन पे गणना होता है, ब्याज गुने 100, ब्याज बटा मूलधन गुने 100, ब्याज दर निकल जाएगा 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10, 5 से 44 में भागा देंगे 8.8%, ब्याज कितना होगा 8.8%। ये कितना साल का ब्याज होगा, दो वर्ष का ब्याज है, दो वर्ष पचास आता है, तो ये दो वर्ष का ब्याज है, ये कितना है दो वर्ष का, तो एक वर्ष का ब्याज निकालेंगे, जितना समय रहेगा ओकरा से भागा दे देंगे 8.8 भागा दो 4.4%, 4.4%। सब एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग ब्याज को एलिगेट करते हैं तो हमेशा क्या निकल के आता है, ब्याज को एलिगेट करने पे मूलधन निकल के आता है। तो एक राशि 4% पे दी गई थी और दूसरी राशि 5% पे दी गई थी, दोनों मिला के टोटल 4.4% ब्याज मिला, 4.4%। मिश्रण का जो तरीका है इस तरीके से मिश्रण बनाया जाता है, 5 और 4.4 में 0.6% का अंतर है, 4 और 4.4 में 0.4% का अंतर है, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो ये कैंसिल, पॉइंट एक अंक बाद है, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 2 2 4 3:2, कितना 3:2। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया 3:2 में वो राशि दी गई थी। अब दूसरा क्वेश्चन है 4% पर कितनी धनराशि दी गई, तो ये क्या है मूलधन आया है, 3 × 5 यूनिट की वैल्यू कितना, 5 यूनिट बराबर टोटल मूलधन कितना 5000, 5 यूनिट बराबर 5000, तो 1 यूनिट बराबर 1000, 1 यूनिट बराबर 1000। अगर क्वेश्चन हमसे पूछे कि 4% पर कितनी धनराशि दी गई, तो 4 के नीचे क्या है 3, 3 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू 1000, तो 3 यूनिट का वैल्यू 3000। इसका आंसर जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर 3000 हो जाएगा। अगर 5% पे पूछे तो 5% के नीचे क्या है 2 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, तो 2 यूनिट का वैल्यू 2000। तो यहाँ से तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, तीसरा जो क्वेश्चन है उसको देखा जाए, अगला क्वेश्चन है किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का चार बटा नौ है यदि दर तथा समय आपस में बराबर हो, दर्ज माल मान लीजिए कि दर 3% है तो समय भी 3 वर्ष होगा, बराबर हो तो ब्याज का दर ज्ञात करें, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। क्वेश्चन है ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, यही क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन पहले समझेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। मूलधन का 4/9, क्या है मूलधन का 4/9 है? साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट ब्याज का प्रतिशत निकालेंगे। 4/9 भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना होता है, 400/9 आ जाएगा। कितना आएगा? 400/9। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दर और समय आपस में बराबर है, तो मान लेते हैं कि ब्याज का दर x है तो समय भी x है, x में x से गुना करेंगे तो 400/9 आएगा, यानी x स्क्वायर का वैल्यू कितना? 400/9। तो x का वैल्यू कितना? स्क्वायर हटता है, बराबर के दूसरी तरफ जाता है, रूट होता है, रूट यानी वर्गमूल। 400 का 20 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, यानी 6.2/3%। कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो जो होगा वो आंसर दिया जाएगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन एक और तरीके से भी पूछा जाता है कि ब्याज का जो दर है, समय जो है ब्याज के दर का 1/4 है, तो x गुना 1/4 लिखेंगे। जो ब्याज का दर है वो समय का 1/5 है, तो 1/5 गुना x लिखेंगे। जैसे कहेगा उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके निकालेंगे। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। जो भी क्वेश्चन पढ़ा जाएगा उस क्वेश्चन को ही केवल नहीं सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने सारी बातें हैं, जितने सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और सॉल्व करके तभी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन वही बात कर रहा है। ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से बन जाना चाहिए। किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज, 6 वर्षों का साधारण ब्याज 9/25 है। कितना? 9/25 है, 9/25 है। उस ब्याज की दर क्या आती है? उस ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर कितनी है? क्वेश्चन यही है, उस ब्याज की दर कितनी है देखा जाएगा। क्या है धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज के बारे में बात कर रहा है। जब भी साधारण ब्याज के बारे में बात करें, डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, उसको प्रतिशत में बदल लेंगे 100 से गुना करके। 25 का 100 कितना आया? 9 का 36%। टोटल ब्याज कितना हुआ? 36%। और कितने साल का है? 6 वर्ष का। जितने साल का रहेगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो हम लोग बनाए थे 1/4 वर्षों में 41/40, तो वहाँ पे ब्याज 2.5% निकला था। 2.5 में 1/4 से भागा दिए थे, क्यों? क्योंकि 1/4 वर्ष था, यहाँ 6 वर्ष है, तो 6 से भागा दे देंगे, दर निकल जाएगा, वार्षिक दर निकल जाएगा। वार्षिक दर निकालने के लिए समय में भागा, समय से भागा दे देंगे, 36/6% आंसर हो जाएगा। जितना समय रहेगा उसे भाग दे दिया जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से 10% हो जाने पर किसी व्यक्ति को रुपए की वार्षिक हानि होती है। क्वेश्चन यही है, तो उसकी पूंजी क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है पूंजी यानी मूलधन, उसकी पूंजी क्या है? पूंजी पूछ रहा है, तो आराम से पहले देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, वार्षिक ब्याज की दर 0.5% से 0.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति को 55.50 की वार्षिक हानि होती है, यानी एक वर्ष में हानि होती है। तो एक वर्ष में 11.5% दर है, तो एक साल में कितना ब्याज होगा? 11.5 में एक से गुना करेंगे, इतने आएगा। 10% हो गया, तो 10% की दर एक साल में 10% होगा। तो यहाँ पे ब्याज में कितना परसेंट का कमी हुआ? ब्याज में 1.5% कमी हुआ। क्वेश्चन कर रहा है 0.5 रुपये का घाटा हुआ, तो क्यों घाटा हुआ? इस कमी के कारण घाटा हुआ, तो ये 55.50 रुपये की घाटा हुई, यानी ये और ये दोनों आपस में बराबर है, 1.5% बराबर 55.50।
तो 1% का वैल्यू निकालेंगे 55.50 बटा में 1.5। ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 से गुना होगा, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 से गुना होगा। 00 00 कैंसिल हो जाएगा, 15 से कटाएंगे 15 3 45, 10 5 15 7 105, 1% का वैल्यू 37 हुआ। चूँकि पूंजी निकालना है तो 100% का हमेशा वैल्यू निकालेंगे, तो 37 में 100 से गुना कर लिया जाएगा तो 3700 आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन हुआ। यहाँ से दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ये भी होता है, एक कहता है कि वार्षिक ना दो वर्ष में हाथ रुपए की हानि हुई, तो दो वर्ष का एक वर्ष का हाथ ना, तो दो वर्ष का 11.5 23%, 10 गुना 20%, तो 3% का वहां पे अंतर हो जाएगा, तो 3% का वैल्यू हाथ ना रुपया, बात समझ में आ रहा है, तब वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे। और यहां से एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक 10% से लेकर 11.5% हो जाने पर हाथना रुपए की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पे जब दर बढ़ेगा तो यहाँ पे हानि नहीं होंगे, लाभ होने लगेगा। तो जितना प्रतिशत बढ़ेगा उतना प्रतिशत का वैल्यू हाथना, जितना लाभ हुआ उतना, उस तरीके से जिस तरीके से ऐसे इसको निकाला गया उस तरीके से उसी क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ए ने बी को 2500 रुपये, ए ने बी को 2500 रुपये तथा उसी समय सी को कुछ राशि सात परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दे, 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी, साधारण ब्याज से उधार दी, यदि 4 वर्ष बाद ए को बी और सी से कुल मिलाकर ए को बी और सी से कुल मिलाकर 1120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हो, 1120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हो तो सी को उधार दी गई राशि, सी को उधार दी गई राशि कितनी है ये बताना है। क्वेश्चन पहले पढ़ लिया जाए, ए व्यक्ति है, उधार देने वाला व्यक्ति है, दो व्यक्तियों को उधार दिया है, एक बी को भी दिया है और दूसरा सी को भी दिया है, सेम समय पे दिया है, और ए को 2500 रुपया दिया है, ए ने बी को 2500 रुपया दिया है, लेकिन सी को कितना दिया ये नहीं पता है। ये जरूर पता है कि 7% का दर दोनों जगह है और दोनों जगह 4 वर्ष बाद ब्याज चुकता किया गया, समय दिया गया है 4 वर्ष बाद, दोनों जगह 4 वर्ष बाद ब्याज दिया गया है। टोटल ब्याज इन दोनों का ब्याज जो है, बी और सी का टोटल ब्याज 1120 रुपया, क्वेश्चन करें 1120 रुपया दोनों मिला के दिया है ए को। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बताना है कि सी कितना राशि लिया था ऐसे, तो यहाँ पे सी की राशि नहीं भी दिया गया है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 7% के रेट से 4 साल में ब्याज कितना होगा, 28%, 1 साल में 7% है, 4 वर्ष में 28%, तो 28% निकाल लेंगे 2500 का 1% कितना, 1% निकालने के लिए किसी भी अंक को, कोई चाहे कोई भी अंक हो, उसका 1% निकालने के लिए दाहिने से 2 अंक बाद दशमलव लगा लिया जाएगा। तो यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लगेंगे तो 25 आएगा, 25 में 28 से गुना करेंगे तो हम लोग 28% निकल जाएगा, 25 8 200 0 हासिल बिल, 25 50 20 70 कितना आया, 700 आया। टोटल ब्याज 1120 रुपया है, तो यहाँ से ब्याज कितना है, यहाँ से तो 700 रुपया ब्याज दे दिया है, हईधन से 700 रुपया ब्याज मिला, तो यहाँ से 420 रुपया मिलेगा, तब ना 700 और 420 मिल गया, 1120 होगा, तो यहाँ 420 रुपया ये ब्याज हुआ, यहाँ से प्रतिशत में कितना ब्याज, यहाँ 28%, ये भी 28%, यहाँ से भी ब्याज मिलेगा, मतलब 28% का वैल्यू कितना, 420, तो 100%, यानी सी कितना राशि ली गई थी 100% निकाल लेंगे तो निकल जाएगा। तो 100% के पहले 1% का वैल्यू निकालेंगे, 420 बटा 28 और 14 दुनिया 28 14 42 30 15 बार में 1% का वैल्यू 15 हुआ,
तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 15 में 100 से गुना कीजिएगा तो 1500 आंसर आएगा। तो ए जो है सी को 1500 रुपये की राशि दिया था, साधारण जो है साधारण हिसाब है, हिसाब मतलब इसमें कोई टेक्निक्स नहीं लगाना है, जिस तरीके से क्वेश्चन कर रहा है उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 5% वार्षिक ब्याज दर से किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है, तीन वर्ष में कितना 42 रुपये का अंतर है, तो क्वेश्चन है वह राशि कितनी है ये निकालना है, यानी मूलधन निकालना है। चलिए देखा जाए, क्वेश्चन है 5% वार्षिक ब्याज दर है, 3 वर्ष में कितना ब्याज निकलेगा 15% निकलेगा, 4 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा 25% निकलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज में 42 रुपये का अंतर है, तो ब्याज में प्रतिशत में कितना का अंतर है 5% का अंतर है, रुपया में कितना का अंतर है 42 रुपया, मतलब 5% का वैल्यू कितना 42 रुपया। क्या पूछ रहा है, राशि पूछ रहा है, राशि जब भी पूछेगा तो हमेशा 100% का वैल्यू निकालेंगे, 1% का वैल्यू कितना 42/5 और 100% का वैल्यू 42/5 × 100, तो 5 से 20 बार में 42 × 84 840 रुपया हो जाएगा ये क्वेश्चन। और यहाँ से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्रतिशत दे सकता है, समय बदल सकता है, तो क्वेश्चन का टाइप अगर सेम रहे तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है